ये सब पैकिंग होके पूरा यहाँ पे रख दिया जाता है। ये जो जितना भी कचरा होगा सब चूरी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं जा रहा हूँ ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री घूमने के लिए, तो उससे जुड़ी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी बारीकी से बताएंगे, तो अभी चलते हैं वहाँ पे। हम लोग फैक्ट्री पहुँच गए हैं, बस अंदर चलते हैं अभी। अभी ऑफिस में बैठे हैं तो सर से जान लेते हैं कि इस कंपनी में क्या क्या होता है एक्चुअली में। हमारे यहाँ कंपनी में रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड सनफ्लावर और पाम ऑयल का रिफाइंड किया जाता है। एक्चुअली हमारे रिफाइनरी का प्लांट है। तो अब जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन और वीडियो फुटेज के साथ आपको दिखाएंगे। खेती हम यहाँ से करते हैं। क्या करते हैं यहाँ से? यहाँ से माल हाँ फिटिंग करते हैं। अच्छा, मतलब डालते हैं यहाँ से? हाँ यहाँ से। ये एलिवेटर है। ओके, ठीक है ना। इसमें डाला जाता है यहाँ पे? इसमें ये उठाता है। मतलब यहाँ नीचे डालते हैं तो उठाता है कि यहाँ पे? इसमें डालते हैं ना। अच्छा, इसमें जो कचरा आता है ये देखिए ऊपर है। हाँ हाँ, खाली सीट सीट जाता है भीतर, ये उठाता है। ओके, ठीक है। तो ये देखिए सामने लगा हुआ है एलिवेटर। एलिवेटर बोलते हैं इसको। हाँ। तो जो भी ये बोरी में यहाँ पे सीड रखी हुई है। हाँ। सारा का कटिंग होगा। हाँ, सब यहीं कटिंग होता है। हाँ। और यहाँ पे इसको फीड किया जाता है। हाँ, फिर यहाँ से ये उठ के जाता है आगे प्रोसेस के लिए। प्रोसेस। ये अभी आगे वाला प्रोसेस आपको दिखाते हैं। हाँ, वो ऊपर से एलिवेटर आ रहा है। दो चूट है ना? हाँ, दो जगह हो गया है ये दोनों। इसको हल सेपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल सेपरेटर। ओके, ये जो जितना भी कचरा होगा सब चूरी धूला जो होगा नीचे आएगा और ये छान के वो एलिवेटर उठाएगा। आगे में एलिवेटर हुआ। हाँ। ये उठा के ये टैंक में हालेगा। स्टॉक टैंक बनाए इसको। ठीक, मतलब यहाँ से कचरा अलग करके स्टॉक टैंक में डाल देंगे। हाँ। ठीक, स्टॉक टैंक है ना। हाँ। स्टॉक टैंक यहाँ से माल खोलेंगे है ना। हाँ। इसको खोलेंगे, यहाँ फिटिंग होगा। अच्छा, यहाँ से फिर जाएगा? यहाँ से जाएगा, इधर जाएगा। ठीक, ये देखिए वहाँ चला जाएगा। वहाँ पे वहाँ से फिर ये अंदर चला जाएगा। अंदर जाएगा, ये तो हो गया ना। हाँ हाँ, ये हो गया। अब वहाँ से जो भी माल आएगा, अब ये जो सेक्शन है, ये जो एरिया है, ये सेक्शन में आएगा। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, हाँ वहाँ पे आएगा ये माल आगे इसमें। अच्छा, हाँ, तो जो बाहर से वो माल आया यहाँ से है नहीं? हाँ हाँ, बाहर से जो आया था ये एलिवेटर में आ गया। ये एलिवेटर में आ गया। हाँ। फिर यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाएगा, ऊपर बताते हैं। ओके, तो देख लीजिए प्रोसेस, ऐसे ऐसे प्रोसेस है। वहाँ से स्टार्ट हुआ था, अभी यहाँ तक पहुँचा है और आगे जो भी है वो आगे अब वीडियो में बने रहे, मैं दिखाता हूँ। हाँ, वहाँ से आ गया था नीचे से, यहाँ से ऊपर आ गया। यहाँ पे ऊपर आया तो इसमें आया सीट क्लीनर में। क्या है ये? सीट क्लीनर। हाँ, सीट क्लीनर। हाँ। ओके, ये यहाँ से बड़ा दाना है ना। हाँ। इसमें हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ओके, ढूंगा पत्थर जो भी आएगा इधर आएगा। ठीक है, दाना उधर चला जाएगा? दाना इसके नीचे जाएगा, बड़ा दाना होगा या पत्थर होगा तो इसमें आएगा यहाँ। ओके, नीचे झाड़ देंगे उसको। ठीक ठीक, और यहाँ से इसमें जाता है कि इसमें इसमें हवा है। हाँ। ये ब्लोअर है ना। हाँ, ब्लोअर है। जो भी डस्ट है उठा के उधर बाहर फेंक देगा। ये यहाँ इसमें जाता है। ठीक, ये नीचे देता है। इसके नीचे जो है प्रोसेस है वो देखिए, नीचे डिस्टोनर है। ठीक, वो क्या करता है डिस्टोनर? डिस्टोनर क्या करता है, जो अपना पत्थर जो भी आएगा बारीक पत्थर। हाँ। जो भी आएगा वो हवा से खींच के उसको अलग कर देगा, पीछे फेंकेगा, दाना इसमें देगा। ठीक है, बटमा सीट इसमें आएगा। ठीक, ये उठा के आपको इसमें देगा, ये उठा के यहाँ कर देगा क्रैकिंग।
ठीक, तो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, तोड़ेंगे क्रेकिंग है। ये देखिए क्रेकिंग है, ये जो है ना एक क्रेक करता है, दाने को तोड़ता है, तोड़ता है, एक दाना को चार भाग करता है। ठीक, ये दो भाग करेगा, नीचे वाला जो है चार भाग करेगा, चार भाग करेगा। ओके ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। वहाँ तक हो गया ना आपका, वो बाहर वाला उठाया, हाँ बाहर से आया, इसमें आया, उसके बाद फिर यहाँ आया, यहाँ से आया, ये जब गया, ये देखिए ये पार्ट, ये पार्ट है, डिस्टोलर है ये। अच्छा, यही मतलब क्या बोलते, पत्थर को पूरा छान के अलग करता है, छान के अलग दाना इधर फेंकता है, ये एलिवेटर उठाता है। ओके, इसके लिए ये ब्लोअर लगा हुआ है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि वहाँ से सीड निकलता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर उसको क्या बोलते हैं, जो भी उसमें कचड़ा या पत्थर होता है उसको अलग करते हैं, और अलग करने के बाद जो सीड है सीड को तोड़ते हैं, तोड़ के एक तरह से देखा जाए तो दाल बनाते हैं। ये वाला है मिट्टी वाला, जो पत्थर छानता है ना, इसमें आता है। अच्छा, जो पत्थर छान के आएगा वो इसमें आ जाएगा, पत्थर आएगा इसमें, दाना आएगा इधर, दाना इसमें आ जाएगा, इसमें आएगा, ये उठा के क्रेकिंग में देगा, ऊपर अभी बताए ना, हाँ क्रेकिंग में दे देगा, जब टूट के आता है तो इसमें आ जाता है, हाँ उसमें आता है, यहाँ आता है। ओके, तो यहाँ आके क्या होता है, यहाँ आके इसमें एलिवेटर उठाता है और उसका उसमें डाल लेता है टैंकर में, कुकर है ये। अच्छा, कुकर है, कुकर है इसका नाम। ओके, यहाँ कुकिंग करता है। तो कितने देर तक उसको पकाता होगा लगभग? वो कंटिन्यू पकता है। और कितने डिग्री पे? जो इसका 60-65 डिग्री में टेम्परेचर करते हैं। ओके, 60-65 डिग्री, हाँ ओके, 60-65 डिग्री में टेम्परेचर करते हैं, तब ये उठा के फिर इसमें देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुक हो जाता है, हाँ। और कुक होके फिर यहाँ ट्रांसफर होता है। यहाँ ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है, चूड़ा को पतला कर देता है। ये जो है ना आपका ये डिब्बा, ये वाला, हाँ। इसमें बनाते हैं, ये जब इससे गिरते हैं, हाँ। तो इसमें आते हैं। ओके, ठीक है, वहाँ पे कुक होता है, फिर यहाँ पे उसको प्रेस करते हैं। कुक हुआ, फ्लेकर में प्रेस हुआ, ठीक, फ्लेकर से कन्वेयर में दिए, ठीक, ठीक है, फिर कन्वेयर से एक्सपांडर के टॉप है, क्या है, एक्सपांडर के टॉप, ये जो यहाँ से गया ना एक्सपांडर में देगा माल। ओके, वहाँ से कन्वेयर आ गया, ये मोटर है, यस मोटर है ना, हाँ हाँ, ये यहाँ ड्राई किए, इसमें डाले, ठीक, इससे डाल के ये मोटर चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसमें जो फ्लेक्स जो बनता है, हाँ। उसको यहाँ सबको पेर के केक बनाते हैं। अच्छा, केक, ये अपना हाथ है ना, हाँ। ऐसे मोटा मोटा यहाँ से देते हैं, हाँ। मोटर चलता है, वो आगे से निकलता है, पुलिस इसमें स्टीम लगता है केक बनाने के लिए, स्टीम लगता है, हाँ स्टीम लगता है। ओके, और फिर केक बनने के बाद आगे चला जाता है, केक यहाँ से निकलता है, यहाँ से केक, यहाँ से मतलब हाथ से निकाल के निकालते हैं? नहीं, हाथ से निकालते हैं, हाँ। ये चालू रहता है, हाँ। ये आपका हाइड्रोलिक है, जो साइज का माल चाहिए यहाँ चाप के रखिए, निकलेगा। ओके, ठीक है, हाँ। केक माल यहाँ से इसमें गया, नीचे गया, नीचे ड्राई कूलर है, उसको ड्राई करेगा, हाँ ड्राई करेगा मतलब गर्म माल गया, हाँ। तो उसमें क्या बोलता है आपका स्टीम दे रखा है, ठीक, हीटर, हाँ। उसमें स्टीम देते हैं, वो हवा से सुखाता उसको। अच्छा, जो क्या बोलते हैं गर्म, जो गर्म हवा वहाँ दे रहे हैं ना, हाँ। मान लो गीला माल आपका है, हाँ। तो गर्म हवा दिए तो हवा खींचेगा, ये FD ब्लोअर खींचेगा, ठीक, वो हवा खींच के वो माल को ऊपर में जाले के ऊपर पूरा सुखाएगा, ठीक, सूखने के बाद वो ड्राई होके उधर जाएगा, आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा, ठीक है, आगे चलो। यहाँ पे माल गिरेगा, ये ऊपर से आके इसमें केक बन के आएगा, केक बन के आएगा, इस पे गिरेगा, केक बन के आएगा, ये यहाँ आएगा, है ना, इस बेल्ट पे गिरेगा, इस पे गिरेगा, हाँ। इसमें ड्राई होके आउट उधर होगा, ठीक, पीछे साइड। ओके, तो अब तक के जो भी प्रोसेस है आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। ड्राई होके यहाँ पे आया, इसमें गया, ठीक,
यहाँ से ड्राई होके आता है और ऐसे आने के बाद फिर यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद फिर ये ले जाता है। अच्छा, फिर ये कहाँ लेके जाएगा? सॉल्वेंट प्लांट। सॉल्वेंट प्लांट। तो यहाँ का काम मतलब जितना था यहाँ के फिनिश होता है, और इसके बाद का जो प्रोसेस है वो सॉल्वेंट प्लांट में है। तो सॉल्वेंट प्लांट में चलते हैं और वहाँ का बताते हैं। ठीक है, देखिए वहाँ से जो वो केक ड्राई होके आया था ऐसे चला जाएगा वहाँ पे। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं, दिखाते हैं कि जो सॉल्वेंट प्लांट है उसके अंदर जाके जो वो ड्राई केक होता है उसको आगे जाके उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से तेल अलग निकालते हैं और जो उसका वेस्ट होता है उसको अलग करते हैं। एक्सट्रैक्टर है ये। एक्सट्रैक्टर है, हाँ। ओके, ये करता क्या है? इसमें माल जो आता है उसे हैगजिन से ड्राई होते जाता है, हैगजिन से ड्राई होते जाता है, तेल छोड़ते जाता है, तेल छोड़ते जाता है। और ये हैगजिन, ये हैगजिन क्या होता है? पेट्रोल जैसा है, थोड़ा पतला होता है, पेट्रोल से पतला होता है। हाथ मिलने के बाद ना पूरा हाथ खत सूखा हो जाएगा। अच्छा, बारीकी चीज है वो। तो उसको मतलब उसके ऊपर छिड़कते हैं, उसके छिड़कते हैं ना, तो तेल खींच लेते हैं और फल्ली को जाने देते हैं, जाने देते हैं, डिस्चार्ज होती है। यहाँ से जब यून होता है ना वहाँ जाके डिस्चार्ज होता है, तेल अलग करता है आगे जाके और फल्ली उधर चला गया। अच्छा, तो वहाँ से जो भी जो ड्राई केक आता है वो इसमें आता है और इसमें आने के बाद इसके थ्रू प्रोसेस होता है। ये ब्रांड भरा हुआ अभी, ब्रांड चलाए थे। ठीक है, इतना माल भरा है। ये दाना दिख रहा है ना ब्रांड का? हाँ, दाना दिख रहा है। हाँ, यही दाना आता है ब्रांड का। असल इसका सीट का जो आता है बड़ा बड़ा दाना रहता है। ओके, इसमें इतना बड़ा निकालते चौड़ा। अच्छा, है इसमें ब्रान से भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं? हाँ, इसमें ब्रान का भी होता है और सोया सीड्स का भी होता है। जो भी चलाएंगे इसमें चलाएंगे। अच्छा, जो भी मतलब होगा उसमें से ऑयल निकाल देगा और खली को बाहर कर देगा। खली बाहर कर। सरसों भी चलेगा तो आधा तेल वहाँ निकल जाएगा, उसके बाद जो बचेगा यहाँ आके निकल जाएगा। कॉटन सीड चलाएगा उसका भी वही हाल है, वहाँ निकल जाएगा। सनफ्लावर चलाइएगा उसका भी तेल वहाँ निकल जाएगा आधा स्पेंडल से, और यहाँ आकर के आधा निकल जाएगा। जो भी बचेगा यहाँ निकल, जो भी निकलेगा मतलब जो भी बचेगा बचा खुचा यहाँ पे आके उसको निचोड़ देते हैं। निचोड़ देते हैं। हेक्सीन है वो जो प्रॉपर उसका जो छिड़काव है वहाँ पे होगा, फिर हेक्सीन और तेल जो भी है अलग होगा, अलग अलग होते रहेगा, अलग अलग होते रहेगा। उसके बाद फिर से जाके फिर वो एक सर्किल में घूमता रहता है। ओके, ये तेल अलग होके तेल यहाँ पे आ गया। ओके, तेल निकलने के बाद, तेल निकलने के बाद यहाँ आता है। ठीक, नीचे जाता है कन्वेयर है। हाँ, वहाँ पे ये उठाता है इसे। अच्छा, यहाँ से आके फिर इसमें डंप होता है, इसमें ड्राई होता है खल्ली। ठीक, खल्ली ड्राई होने के बाद फिर आपको वहाँ से इसमें भी स्टीम लगता है। स्टीम हर जगह लगेगा? हाँ, स्टीम लगेगा, जहाँ सुखाना है वहाँ स्टीम लगेगा। लगेगा। ओके, इसको कुकिंग करके सुखा के फिर नीचे जाएगा। नीचे मोटर है इसमें, इसको डीटी बोलते हैं। डीटी मतलब ड्राई करता है ना माल। अच्छा, माल ड्राई करके सुखा के फिर उधर जाएगा, फिर वो जो खाली होगा उधर चला जाएगा, फिर उधर जाएगा और तेल वहाँ चला जाएगा। तेल वहाँ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलने के बाद आपका यहाँ निकलता है माल। यहाँ से कौन सा माल निकलता है? ये खाली, खाली निकलता है। खाली। ओके, खाली निकलने के बाद यहाँ से चलेगा इसमें गिरेगा। ठीक, फिर यहाँ से ये खली फिर गोडाउन में जाएगा वहाँ। ठीक है, गोडाउन में चला जाएगा। हाँ। और गोडाउन में जाके फिर क्या होता है? खली, खली पैकिंग होता है, पैकिंग होके सेल, सेल होता है। जितने भी ये पंप दिखाई दे रहे हैं इसमें हेक्सीन का सर्कुलेशन, हम जब तक मशीन चलेगी तब तक इसमें हेक्सीन का सर्कुलेशन होता रहता है। एक पंप से जाता है और दूसरे पंप से वापस आता रहता है। ये सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट का पूरा काम हो गया। ठंडा करने के लिए चिलर में टावर है, कूलिंग टावर है। तेल को ठंडा करते हैं? नहीं, प्लांट को ठंडा रखते हैं। अच्छा, प्रेशर में ना, प्रेशर में आएगा बाद फूट सकता है पेट्रोल, इसलिए उसको पानी से ऐसा कूल करते रहते हैं। हाँ, इधर इधर एटम जितना लगाए ना सबको ठंडा करते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब वहाँ से खली निकलती है तो खली निकलने के बाद पाइपलाइन द्वारा यहाँ पे आती है, फिर वहाँ जाता है, फिर वहाँ से ये पाइपलाइन ऐसे इसमें आएगा, उसके बाद फिर इस टैंक में आएगा, उस टैंक के बाद यहाँ से बैगिंग होगी, पैकिंग होगी, और पैकिंग होने के बाद यहाँ पे सिलाई होने के बाद फिर से जहाँ भी उसको ट्रांसपोर्ट या सेल करना होगा वो कर दिया जाएगा।
हाँ देखिए, जो भी वहाँ से पैकिंग होती है, पैकिंग होके पूरा यहाँ पे रख दिया जाता है। जो भी मतलब जो परचेज करते हैं वो अपना ट्रक लेके आते हैं, वो लोड करके लेके जाते हैं। और ऑयल का भी है, तो जो भी यहाँ पे टीन वगैरह रखा हुआ है ऑयल, इसमें स्टोर होता है और उसके बाद वो भी स्टोर लोड होके जो पार्टी उसको परचेज करती है वो लेके जाती है।